بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 3। स्टूडेंट, इन प्रीवियस डे आपने एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। स्टूडेंट, आपने एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किए हैं और फिर हमने ऑपरेशंस हमने रेशनल नंबर्स पर अप्लाई किए थे। आज हमने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है 1/8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट माइनस 5/8। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। क्या 5 और 8 आपस में कट होते हैं, सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं? नहीं होते, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। 1/8 प्लस 5/8। क्लास 7, ये क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको जो आपने क्लास 6 में काम किया था रिपीट करूंगी। हमने पढ़ा था माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस एंड प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। हमने ये पढ़ा था कि सेम साइंस होंगे, सेम साइन होंगे तो हमारे पास प्लस आएगा, ऑपोजिट साइन होंगे आंसर क्या आएगा, हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे किया, माइनस माइनस क्या होता है क्लास, प्लस होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने नेक्स्ट क्या काम करना है, यहाँ देखें ये भी 8 है, ये भी 8, और दरमियान में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। आप यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग, डिस्ट्रो ने यहां पे आपके पास लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। के हमने रैशनल नंबर के प्लस के मुताबिक हमने इसे सॉल्व करना है। 8 और 8 दोनों सेम है, आपको पता है हमने पढ़ा था कि जब सेम डिनोमिनेटर हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वही लिखा रहता है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 8, और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। 1 + 5, 1 + 5 इक्वल टू 6/8। जी स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ था सिंप्लीफाई, क्या आपने इसको इतना सिंप्लीफाई करना था कि ना तो ये किसी एक टेबल पे डिवाइड होते हों, बस वो आंसर आए जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हों। तो यहाँ देखिए क्या आंसर आ रहा है, 6/8। 6 और 8 कौन से टेबल पे जाते हैं, क्लास 2 पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 3 6,
टू फोर आर एट, आंसर क्या आया 3/4। ओके, क्या किया स्टूडेंट हमने पहले, 8 और 8 डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेम है, हमने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया 8 ही लिख दिया, सेम होगा तो हमारे पास वो ही लिखा जाएगा। फिर ऊपर क्या लिखा हुआ था 1+5, हमने ऊपर लिख दिया 1+5, 1+5 क्या होता है 6, 6/8, 2 3 6, 2 4 8। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखें क्या लिखा हुआ है। पार्ट टू, -99/100 प्लस 77/100। जी डिनोमिनेटर क्या है इसका स्टूडेंट, सेम है, तो आपको पता है कि जब सेम डिनोमिनेटर हो तो हम नीचे क्या लिख देते हैं, वही डिनोमिनेटर लिख देते हैं 100। ठीक है, अब आपने ऊपर क्या करना है, देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है -99 और +77। देखें जी -99 + 77 -+, जी स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है -+-, -99 में से आप +77 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, -9 में से 7 गए 2। स्टूडेंट ये आप मत समझिएगा कि मैंने जो माइनस का साइन यहाँ पे लगाया है वो ये प्लस माइनस से माइनस आया, ऐसा नहीं है। आप देखें इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है स्टूडेंट, 99 बड़ी है, तो उसके साथ कौन सा साइन है माइनस, तो इसीलिए 22 के साथ कौन सा साइन आया है, माइनस का साइन आया है। अब आंसर क्या आ गया, -22/100। आप देखें सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आप जो है सादा तरीके से उसे सादा आंसर निकालें, इसलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई लिखा हुआ है। जी 2 1 2 2 1 2 2 5 10 और 2 0 0। अब देखें 11 और 50 55 पे रहता है, 11 सिर्फ अपने टेबल पे रहता है, वो कौन सा टेबल है, 11 ही है, तो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -11/55। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट है 4/3 + 3/4। आप देखें आपने दो सवाल सॉल्व किए थे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, टू पार्ट्स आपने सॉल्व किए हैं, लेकिन इसमें क्या था, डिनोमिनेटर सेम था। जी स्टूडेंट यहाँ पर डिनोमिनेटर एक 3 है और दूसरा क्या है 4 है, जब आपके पास इस तरह डिनोमिनेटर आ जाए तो आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, हमने 5 क्लास में भी पढ़ा था क्लास, और हमने 6 में भी ऐसा काम किया है कि जब डिनोमिनेटर ऑपोजिट हो तो हम क्या करते हैं जो है एलसीएम लेते हैं। रफ वर्क के लिए लाइन लगा लें, 3 4, जी 3 1 3 4 आर दैट इज 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 1 2। अब आपने यहाँ पे ये लिखना है, देखें जी 3 × 2 × 2, 3 2 6 6 2 12, नीचे क्या आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। अब देखें आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा लिख रही हूँ, 3 के टेबल पे 12 कहाँ जाता है। जी स्टूडेंट आपने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करना है,
डिवाइड करना है। क्या मैंने बोला? डिनोमिनेटर को आपने इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। आपने इसको देखना है कि 3 के टेबल पर कहाँ आता है। जी स्टूडेंट, कहाँ आता है? 3 4 12। तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। 4 4 16 प्लस 4 के टेबल पर 12 कहाँ आता है? 12 पे। 4 के टेबल पर 12 कहाँ आता है? 3 पे। 3 3 9। ओके स्टूडेंट, फिर देखें, 3 को हमने 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 4 आया। हमने 4 न्यूमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 4 16। 4 के टेबल पे 12 कहाँ आता है? 3 पर। तो हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया। 3 3 9। 16 और 9 को आप प्लस करें तो आंसर आता है आपके पास 25/12। अब आप देखें, आपका डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। और न्यूमिनेटर क्या है? बड़ा है। जी स्टूडेंट, हम क्या करते थे? इसमें डिवाइड करते थे। 12 बाहर आ जाएगा और 25 अंदर। 12 2 24। माइनस करें, 5 में से 4 गए, 1। 1 हम साइड पे लिखते हैं, फिर क्या रहता है? 2/20, 2/12। ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, रिमाइंडर साइड पर क्वेश्चन न्यूमिनेटर बन जाता है, डिवाइडर आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। जब आपने देखना है कि आपका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिनेटर आपके पास बड़ा है, तो आपने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है और उसका आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। -3/20। अब आपने इसको आज डिवाइड करना है। देखें जी, क्या है? 20/5। डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ आपके पास? 20/5 लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट, आपने 20/5 का एलसीएम लेना है। जी क्या देखा यहाँ? 5 5 1 5 5 4 20। जी स्टूडेंट, 4 किस टेबल पे जाता है? 2 पे। 2 2 4 2 1 2 2 1 2। 5 2 10 और 10 2 20। देखिए आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4 4 5 20 आ जाएगा। अब क्या करना है? आपने जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर से आपने जो 20 आया है उस पर क्या कर देना है? डिवाइड करना है। जी स्टूडेंट, 5 के टेबल पे 20 कहाँ आता है? जी कहाँ आता है? 4 पे। 1 4 4। माइनस 20 के टेबल पे को 20 पे डिवाइड करें, क्या आता है? 1। तो 3 1 3। 4 में से 3 गए, 1 ओवर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है दिया हुआ? 20। और न्यूमिनेटर आपके पास क्या दिया हुआ है? 1। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? 20 बड़ी हुई। इसी वजह से हमने इसको आगे डिवाइड नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 5 पार्ट है आपके पास दिया हुआ। 1 + -49/50। जी सबसे पहले आप क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे। 1 + -49/50। जी अब आप देखें यहाँ पर एक आपके पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है
और एक आपके पास वैसे ही नंबर दे दिया गया है। डी स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे इसमें? आप तब भी इसके अंदर एलसीएम ही लेंगे। जिस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता, न्यूमिनेटर दिया होता है, उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है? वन होता है। जी स्टूडेंट, जिस न्यूमिनेटर में नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया होता, वहाँ पे क्या लिखा होता है? वन पहले से ही लिखा होता है। अब आपने वन और फिफ्टी का एलसीएम लेना है। देखिए, वन वन था तो वन ही होगा, फिफ्टी एज इट इज आ जाएगा, और फिर देन फिफ्टी वन आर फिफ्टी, तो क्या आ गया आपके पास? यहाँ पे फिफ्टी आ गया। ओके स्टूडेंट, वन के टेबल पे फिफ्टी कहाँ आता है? फिफ्टी पर आता है। आप ये बात जानते हैं कि वन टू दर टू होता है, वन थ्री दर थ्री होता है। वन को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो हमेशा वो इट्सेल्फ आता है, मतलब वो उसका वही आंसर होता है। वन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई, वन को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हो थाउजेंड आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने वन और फिफ्टी को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया? फिफ्टी आ गया। अब आपने क्या करना है? वन को डिवाइड करना है फिफ्टी पे, मतलब फिफ्टी के टेबल पे वन कहाँ आता है? फिफ्टी वन था क्या होता है? फिफ्टी होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये देखें, इस तरह डिवाइड करते हैं, फिफ्टी अंदर और वन, वन पे डिवाइड किया फिफ्टी, वन फिफ्टी दार फिफ्टी हो गया। तो वन को फिफ्टी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? फिफ्टी आएगा। माइनस फिफ्टी के टेबल पे फिफ्टी कहाँ जाता है? वन पे। फोर्टी नाइन वन जार फोर्टी नाइन, माइनस करने आंसर क्या आएगा? वन ओवर फिफ्टी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या आएगा आपके पास आंसर? वन ओवर फिफ्टी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है सिक्स पार्ट, वन प्लस सिक्स पार्ट है आपके पास, वन प्लस इलेवन बाय हंड्रेड, सेम ऐसे ही होगा। जिसके नीचे कुछ नहीं दिया होता वहाँ क्या होता है स्टूडेंट? वन। यहाँ आ जाएगा हंड्रेड, हंड्रेड के डब्बे पे वन कहाँ जाता है? हंड्रेड पे, हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वन आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? ट्रिपल वन ओवर हंड्रेड। आप इसको देखें किस तरह लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे इसको इसलिए तेजी से किया है क्योंकि आपने पहले 50 वाला क्वेश्चन कर चुकी हूँ मैं। 1 और 100 का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 आ जाएगा। 1 के टेबल पे 100 कहाँ जाता है? 100 पे। 100 दा 100, 100 के टेबल पे 100 कहाँ जाता है? 1 पे। 1 11 दा 11, इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो आंसर क्या आ गया? ट्रिपल 1 ओवर 100। अब आपने क्या करना है? इनको डिवाइड करना है। अब मैं यहाँ पे डिवाइड क्यों कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। देखें जी, हंड्रेड वन जार हंड्रेड, माइनस करें, वन में से जीरो गए वन, वन में से जीरो गए वन। जी किस तरह लिखेंगे? वन इलेवन ओवर हंड्रेड आ जाएगा, ये इसका आंसर है। जब भी डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमिनेटर बड़ा होगा, आपने वहाँ पे डिवाइड लाजमी करना है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन के पार्ट्स। जी सेवन पार्ट देखें क्या दिया हुआ है। वन ओवर इलेवन प्लस माइनस फाइव ओवर इलेवन ब्रैकेट क्लोज प्लस टेन ओवर इलेवन। अब आप देखें, पहले आपने टू टू वैल्यूज को सॉल्व किया है, अब आपने थ्री नंबर्स या थोड़ी थ्री फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। 1 बाई इलेवन प्लस माइनस 5 बाई इलेवन प्लस 10 बाई इलेवन। एक ही दफ़ा हम देखें, पहले हम लिखेंगे, पहले आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 5 बाय
11 प्लस 10 बाय 11। आप सब देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो नीचे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 के टेबल पे 11 कहाँ जाता है, 1 पे, 1 11 आर 11। 11 के टेबल पे 11 कहाँ जाता है, 1 पे, 5 1 आर 5 कहाँ जाता है जी, 1 पे, 10 1 आर 10 जी। देखें सॉल्व कैसे करेंगे, 11 में से 5 माइनस करें जी स्टूडेंट, क्या आता है 6, 6 प्लस 10 ओवर 11, 10 प्लस 6 क्या होता है 16 ओवर 11। आप सब देखें कि डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, छोटा और न्यूमिनेटर बड़ा, हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। जी 11 बाहर आ जाएगा और 16 अंदर, 11 वन द 11 माइनस करें, 6 में से 1 गए 5, 1 5 बाय 11। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें पार्ट 8 पार्ट दिया हुआ है, ये आप सब खुद करेंगे क्योंकि इसमें भी सारे जो है वैल्यूज क्या है, सेम है डिनोमिनेटर, ये आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें 9 पार्ट, माइनस 1 बाय 2 प्लस माइनस 1 बाय 5 प्लस 9 बाय 10, इसको हमने सॉल्व करना है जी स्टूडेंट। सबसे पहले आपने क्या खोलनी है, ब्रैकेट ओपन करनी है, माइनस 1 बाय 2 प्लस माइनस माइनस 1 बाय 5 प्लस 9 बाय 10। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आपने देखना है डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट। जी फर्स्ट डिनोमिनेटर इज 2, नेक्स्ट 5, देन 10, ये आपके पास डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 5 10। आप सबने इन सब का इकट्ठे जो है एलसीएम लेना है। देखें जी 2 1 आर 2, 5 2 5 आर 10। मैंने 5 एडिटिव क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि 2 के टेबल पे 5 नहीं आता, नेक्स्ट लिखा हुआ था 10 जी स्टूडेंट, 2 5 आर 10। अब यहाँ दोनों क्या लिखे हुए हैं, 5, तो आप 5 पे कर लेंगे, 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, क्या आपके पास आ गया 2 और 5 आ गया। 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 10 आता है। देखें जी इसका मतलब ये हुआ कि नीचे क्या आएगा, 10, 2 के टेबल पे 10 कहाँ रहता है, 5 पे, माइनस 1 को 5 से करें तो क्या रहता है, माइनस 5, 5 के टेबल पे 10 कहाँ आता है, 2 पे, माइनस 2 1 द 2, 10 के टेबल पे 10 कहाँ आता है, 1 पे, प्लस 9 1 द 9। ठीक है स्टूडेंट, मैं रिपीट कर देती हूँ, 2 के टेबल पे 10 कहाँ आता है, 5 पे, 5 1 द 5, 5 के टेबल पे 10 कहाँ आता है, 2 पे, 2 1 द 2, 10 के टेबल पे 10 कहाँ आता है, 1 पे, 1 9 द 9। अब देखें माइनस 5 माइनस 2 क्या होता है स्टूडेंट, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस 7 प्लस 9 ओवर 10, 9 में से 7 किए तो क्या आ जाएगा, 2 बाय 10 कटिंग होती है, बिल्कुल 2 1 द 2 और 2 5 द 10, आंसर क्या आया हमारे पास, 1 बाय 5। ओके स्टूडेंट, अब 1 बाय 5 क्या किसी और टेबल पे जाते हैं, नहीं जाते, इसीलिए आंसर आपके पास सिर्फ यही रहेगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वन बाय एट प्लस 1 बाय 9 प्लस, सॉरी माइनस है,
15 by 18, 8, 9 और 18 का आपने एलसीएम लेना है। देखें जी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8, 9 और 18, 2 के रेवे पे देखते हैं 2 4s are 8, 9 दैट इज 2 9s are 18, 2 2s are 4, 9 और 9, 2 1s are 2, 9 9 ऐसे आ जाएगा। मैं 9 पे ही कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखें हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं, 9 multiply by 2 multiply by 2 और then multiply by 2, 9 2s are 18, 2 2s are 4, 4 3s are 4, 2s are 8, 8 9s are 72। जी स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, 72 आ जाएगा। अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, इनको डिवाइड करना है 8 की टेबल पे 72 कहाँ आता है। जी स्टूडेंट 8 की टेबल पे 72 9 पर आता है, तो 1 9s are 9, 9 1s are 9 प्लस 9 की टेबल पे 72 कहाँ आता है 8 पे, 8 1s are 8 माइनस 18 की टेबल पे 72 कहाँ आता है स्टूडेंट, 18 के टेबल पे 72 आता है 4 पे, 18 4s are 72, तो 15 4s are क्या होता है आपके पास, 60। अब देखें 9 में 8 प्लस करें 17 minus 60 over 72, 60 में से 17 माइनस कर दें, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 1 गए 4, आंसर क्या आ गया 43 by 72। डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा छोटा आ जाएगा, इसलिए ये इसका आंसर यही रहेगा, ठीक है। अब आपके पास 11 और 12 पार्ट है जो स्टूडेंट आप खुद करेंगे, सेम ऐसे ही होंगे सारे क्वेश्चंस। आपने सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम लेना है और देन आपने क्या करना है उसे सॉल्व कर देना है। जी स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है, हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 4। स्टूडेंट इन प्रीवियस डे आपने एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने रेशनल नंबर्स के दरमियान में प्लस और माइनस का ऑपरेशन अप्लाई किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो है सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का, 8 by 9 multiply by 3 by 4। जी स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, जब आपने मल्टीप्लाई करना होता है रैशनल नंबर्स में। स्टूडेंट एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें आपके पास पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाए, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं जो फ्रैक्शंस में नंबर्स लिखे जाते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इसी कंडीशन क्या है कि q does not equal to 0, means denominator कभी भी 0 नहीं होता है। जिस रेडम हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई करवाना है। दिस क्लास 8 3s are 24,
नाइन फोर्स आर 36. क्लास आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई. स्टूडेंट, सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि अपने क्वेश्चंस को आपने उसका आंसर सादा से सादा नंबर लिखा आना, मतलब आपने उसे बहुत मुख्तसर कर देना है कि उससे ज़्यादा और कोई नंबर उसका ना आए, मतलब और डिवाइड वो ना हो. सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है? सादा करना, मुख्तसर इस तरह करना है कि आपके पास वो मज़ीद किसी टेबल पे डिवाइड नंबर ना होता हो. देखें स्टूडेंट, ये 24 है, ये 36 है, ये किस पे डिवाइड होंगे? ये डिवाइड करती हूँ मैं 6 पे. जी क्लास, क्या रहेगा? 6 4 दा 24, 6 6 दा 36. ऐसा ही है. क्या किया मैंने? 6 4 दा 24, 6 6 दा 36. आप देखें 4/6 आपके पास आया है. क्या 4/6 और मजीद डिवाइड हो सकता है? जी क्लास, क्या 4 और 6 एक ही टेबल पे जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं. कौन सा टेबल है वो? 2 का. 2 2 4 और 2 3 6. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2/3. क्लास 7, आप सबको ये बात याद होनी चाहिए कि हमने जो है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया 2 2 4 एंड 2 3 6, तो 2/3 आंसर आ गया. अब 2/3 को आप देखें, क्या 2/3 किसी और नंबर पे जाता है? सेम नंबर पे नहीं जाता. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है. ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसका पार्ट 2 देखना है. (50/51)/7/10. जी स्टूडेंट देखें, अब आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं. यहां कटिंग हो रही थी लेकिन मैंने नहीं की. अब मैं यहां पर आपको कटिंग के लिहाज से भी करवाऊंगी. देखें, मैंने एज इट इज क्वेश्चन दोबारा उतार लिया. जी 10 1 10, 10 5 50, 7 1 7, ये 7 पे नहीं जाता. नो स्टूडेंट, ये नहीं जाता. अब आपके पास ऊपर क्या रह गया 50 की जगह पे? 5, और ये क्या है? 7. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 35. और 51 का क्या होता है क्लास? 51. दोबारा से देखें, 10 1 10, और ये सामने लिखा हुआ था 10 5 50. ये दोनों कट हो गए लेकिन 7 और 51 कट नहीं होते. 5 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 35. और 51 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया आपके पास? 51 आ गया. जी नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 3. ये इसका आंसर है, ना तो ये किसी एक टेबल पर जाते हैं मजीद, ना ही ये कटिंग होती है. अब हमने नेक्स्ट पार्ट देखना है, पार्ट 3. 121/169/11/13. स्टूडेंट, अभी आपने जो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों पार्ट किए थे, ये आपके पास कौन से पार्ट हैं? मल्टीप्लाई के. अब जो आपने करना है वो कौन सा पार्ट है आपका? डिवाइड का. स्टूडेंट, हमने क्लास 5 में ये काम किया हुआ है कि डिवाइड को हम किस में चेंज करते हैं. आप सबको याद होगा कि आपने 3.5 सॉल्व की थी कि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया था. डिवाइड को स्टूडेंट मल्टीप्लाई में चेंज किया था. देखिए 121/169,
डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में, तो ये इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। देखें जी, 13/11। ओके स्टूडेंट, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास उसका क्या होता है, उस फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब स्टूडेंट आपको ये होगा कि टीचर्स रेसिप्रोकल क्या होते हैं। स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल होते हैं कि आप फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में लिखा रहता है, जो आपका न्यूमिनेटर है वो किस में लिखा रहता है, डिनोमिनेटर में लिखा रहता है। इट क्लियर, ये आपके पास क्या है, रेसिप्रोकल है कि उसको चेंज कर देना। मैंने अभी आपको जैसे ऊपर सिखाया कि आपने मल्टीप्लाई में कटिंग भी आमने सामने कर सकते हैं। देखें जी, 11 ones are 11, 11 ones are 11, 1 carry, 11 ones are 11, 13 ones are 13, and 13 ones are 13, 3 carry, 13 threes are 39। जी स्टूडेंट, कटिंग की आपको समझ आई है, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप दोबारा से देखें। 11 one is 11 and 11 one is 11, 2 लिखा हुआ था क्लास, तो 1 आगे क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा, तो 11 ones are 11 बन जाएगा। नेक्स्ट है 13 ones are 13, 13 ones are 13, 16 में से 13 निकाले तो कितने बच के बाकी, 3, तो हमने 3 आगे क्या ले लिया, कैरी, 13 threes are 39। जी स्टूडेंट, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 11, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें 11, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 13, ये इसका आंसर है। ठीक है, 11 by 13 मजीद किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते थे। अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 भी स्टूडेंट डिवाइड का है आपके पास, 5/7 divide 35/40, 5/7 divide किसमें चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। जी स्टूडेंट, जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन का हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, 40 ऊपर और 35 नीचे आ जाए। देखिए निकटिंग होती है, 5 ones are 5 and 5 sevens are 35, 1 को 40 से मल्टीप्लाई करें 40 आ जाएगा, 7 sevens are 49। स्टूडेंट मैंने 7 और 40 की कटिंग इसलिए नहीं की है क्योंकि 7 के टेबल पे 40 नहीं आता। मैंने क्या किया, 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, 7 sevens are 49। अब ये 40 है और ये 49 है स्टूडेंट, ये दोनों एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गई बात। अब हमने करना है पार्ट 5, -15/28 × 14/30। स्टूडेंट माइनस मल्टीप्लाई में दिया रहे तो आप उस वैल्यू के साथ साथ माइनस उतारते जाएंगे जितनी दफा आप वो वैल्यू लिखेंगे। देखें नेक्स्ट फ्रैक्शन में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन होगा, प्लस का, माइनस प्लस माइनस। मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, जी स्टूडेंट 15 ones are 15, 15 twos are 30, 14 ones are 14, 14 twos are 28। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या रहता है, 4। ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा, तो आंसर क्या है आपके पास, -1/4 आंसर आ गया। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट है 6,
ट्रिपल वन ओवर 100 डिवाइडेड बाय ट्रिपल टू ओवर 200। जी स्टूडेंट, हमने इनको सॉल्व करना है। आप ये बात जानते हैं कि हम डिवाइड को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। ट्रिपल वन ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 200 ओवर ट्रिपल टू। ओके, 100 वन्स आर 100, 100 टूज आर 200, ट्रिपल वन वन्स आर ट्रिपल वन, ट्रिपल वन टूज आर ट्रिपल टू। इजी है ना आपके पास ये जो है टेबल करना। देखें, ट्रिपल वन है, ट्रिपल टू है, जाहिर सी बात है ट्रिपल वन वन दा अगर ट्रिपल वन हो सकता है तो ट्रिपल वन टू दा क्या होगा, ट्रिपल टू होगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, 100 एंड 200, 100 वन दा 100 एंड 100 टू दा 200। जी स्टूडेंट, क्या बच गया, वन एंड टू, वन मल्टीप्लाई बाय टू आएगा तो क्या आएगा, टू। वन को टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा, टू। तो क्या ये टू और टू एक ही टेबल पे नहीं जाते हैं, कौन सा टेबल है वो, वन है, सॉरी टू है, टू वन दा टू एंड टू वन दा टू। जी क्लास, यहाँ पर टू और जब हमने टू को कट किया तो क्या आंसर आया, जीरो या वन। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, जब हम कटिंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन में करते हैं तो आंसर जीरो आता है, जब हम कटिंग मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो आंसर हमेशा वन आता है। ओके स्टूडेंट, मैंने क्या बात बताई है, ये इम्पोर्टेंट नोट है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में कटिंग करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, जीरो। और यही अगर हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, वन आता है। इज इट क्लियर? जी स्टूडेंट, आपका पार्ट सिक्स सॉल्व हो गया है। पेज नंबर 28 देखें, पार्ट सेवन। थ्री बाय टू, फोर बाय नाइन मल्टीप्लाई 16 बाय 81। जी स्टूडेंट, ये दिया हुआ है। आप सभी बात जानते हैं कि हम बोर्ड मैथ रूल इसमें यूज करते हैं इस तरह, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। स्टूडेंट, बोर्ड मैथ के मुताबिक आप इसे पहले सॉल्व करते हैं, किसे पहले सॉल्व करते हैं, डिवीजन को। तो हम यहाँ पे भी पहले किसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। जी, थ्री बाय टू डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, और फोर बाय नाइन क्या हो जाएंगे, चेंज, नाइन बाय फोर मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 81। ओके स्टूडेंट, क्या किया है हमने, थ्री टू मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास चेंज हो गई, नाइन ऊपर चला गया और फोर नीचे आ गया, मीन्स हमने इसका रेसिप्रो कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 81। अब आपने देखा कि हर वैल्यू में, हर फ्रैक्शन के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन यूज किया गया है, तो अब यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। देखें जी, क्या ये टू और नाइन की कटिंग होती है, नहीं होती। क्या ये थ्री और इस फोर की कटिंग होती है, नहीं होती है। अब हम इन दोनों की कटिंग करते हैं, नाइन वन दर नाइन, नाइन नाइन दर 81, फोर वन दर फोर, फोर फोर दर 16। अब आप देखें कि दरमियान में क्या आ गया, वन एंड वन, इसका मतलब ये हुआ कि हम थ्री बाय टू को अगर वन बाय वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, थ्री बाय टू। तो हम बीच वाली वैल्यू को क्या कर दिया हमने, ख़त्म कर देंगे। देखें, थ्री बाय टू मल्टीप्लाई बाय फोर बाय नाइन। जी स्टूडेंट, ये थ्री बाय टू
ये वन एंड वन को मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 4/9 हमारे पास ये जो हमने कटिंग की जो आंसर आया वो हमने लिख लिया। देखें जी, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3 एंड 3 3 9, 2/3। जी क्लास, क्या 2/3 का आंसर हमारे पास मजीद आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 2 और 3 एक सेम टेबल पर डिवाइड नहीं होते हैं। नेक्स्ट पार्ट 8, 9 आप खुद करेंगे। स्टूडेंट 8 एंड 9 आपकी प्रैक्टिस के लिए ये दो पार्ट्स आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। अब आप देखें पार्ट 10। वन बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट माइनस 2/5 मल्टीप्लाई माइनस 100/32। जी क्लास, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आप सब ब्रैकेट्स देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। देखें, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इन्हें जो है जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब आप ब्रैकेट्स देखते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें माइनस का साइन भी है, अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट आप सब ये बात याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया हुआ ना बीच में, तो आप मल्टीप्लाई ही करेंगे। सबसे पहले आप वो यूज़ कर लें, 2 वैल्यूज को सॉल्व कर लें, फिर बाद में आप तीसरी वैल्यू को देख लीजिएगा। मैं 1/5 को एज इट इज़ लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ +2/5 मल्टीप्लाई बाय +100/32। अगर मैं यहाँ से ये प्लस दोनों हटा दूँ और बाहर लिख दूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम? बात तो एक ही है कि माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस अगर हो जाता है तो 1/5 के साथ तो पहले ही प्लस है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1/5 के साथ कैसे प्लस आया? तो स्टूडेंट मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर जो है किसी फ्रैक्शन या किसी डिजिट या नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं होता, वहाँ पे साइन हमेशा कौन सा होता है? प्लस का साइन होता है। ठीक है, अब देखें, ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, कटिंग करेंगे 5 1 5, 5 2 10 एंड 0, 2 1 2, 2 1 2 1 कैरी, 2 6 12। देखें जी, दरमियान वाली वैल्यू होगी 1 1 1, 5 1 5 मल्टीप्लाई बाय 20/16, 5 1 5, 5 4 20, 4/16 आंसर आ गया। जी क्लास, 4/16 क्या किसी एक टेबल पे डिवाइड होते हैं? बिल्कुल जाते हैं। कौन सा टेबल है वो? 4 4 1 4 एंड 4 4 16, तो आंसर क्या आया? 1/4। अब 1 और 4 क्या एक टेबल पे डिवाइड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, या हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारा आंसर क्या आया? 1/4 आंसर आया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 11। वन बाय थाउजेंड डिवाइड माइनस 1/100। जी स्टूडेंट क्या रहेगा? 1/1000 मल्टीप्लाई, ये हो क्या रहेगा? 100/1 माइनस। जी स्टूडेंट डिवाइड था, मैंने इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया, 100 हमारे पास नीचे लिखा हुआ था, मीन्स डिनोमिनेटर था, उसे मैंने क्या बना दिया? न्यूमिरेटर बना दिया और 1 डिनोमिनेटर में आ गया। अब आप देखें, ये 2 0 है, ये 2 0 कट हो गए, ये 1 है, ये 1 कट हो गया, ऊपर क्या रह गया? 1, और नीचे क्या आ गया? 10, और जो ये वाला माइनस था वो यहाँ। आप नीचे लिखें स्टूडेंट, आप ऊपर लिखें, बात माइनस की एक ही है कि 1/10 के साथ माइनस है। क्या ये और मजीद डिवाइड होते हैं या और भी कोई इसका आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये इसकी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट देखें,
माइनस वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय फाइव डिवाइड माइनस 51 बाय 40। पहले हम क्या करते हैं बोर्ड में इसके मुताबिक डिवाइड को सॉल्व करते हैं। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, 40 ऊपर चला जाएगा और माइनस 51 नीचे आ जाएगा। ये भी माइनस है ऊपर लिखा हुआ, ये माइनस नीचे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, जब माइनस आपके पास एक न्यूमरेटर में लिखा हो और डिनोमिनेटर में लिखा हो तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जी नेक्स्ट देखिए, थ्री वन दा थ्री, थ्री वन दा थ्री टू कैरी, थ्री सेवन दा ट्वेंटी वन, फाइव वन दा फाइव एंड फाइव एट दा फोर्टी। वन को एट से करें तो क्या रहता है, वन एट टू मल्टीप्लाई बाय सेवनटीन, ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे हम लिखते हैं वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय एट बाय सेवनटीन। टू वन दा टू, टू फोर दा एट, तो आंसर क्या आ गया, फोर बाय सेवनटीन। जी क्लास, फोर बाय सेवनटीन जो आपने लिखा है ये मजीद और डिवाइड नहीं होता, इसलिए यही आपका आंसर है। जी स्टूडेंट, आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीट हो गया है और आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी कम्प्लीट हो गया। स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 5। इन प्रीवियस डे आपने एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट की थी, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करनी है। स्टूडेंट, उससे पहले आपको रैशनल नंबर्स में कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी आनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, हमारी मैथ के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू प्लस, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू प्लस या एडिशन। इसके अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, पी बाय क्यू प्लस आर बाय एस इक्वल टू आर बाय एस प्लस पी बाय क्यू। स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट जो फ्रैक्शन है अगर आप उसको सेकंड पे लिख देते हैं, सेकंड फ्रैक्शन को आप फर्स्ट पे लिख देते हैं, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आप देखें, मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री इक्वल टू वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री, प्लस के लिए नीचे थ्री आएगा और ऊपर भी थ्री। क्या कोई भी चेंजिंग आ रही है इसमें? कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि आप इसमें लेफ्ट राइट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। फर्स्ट वैल्यू अगर सेकंड पे लिखी रहती है या सेकंड वैल्यू फर्स्ट पे लिखी रहती है तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। इसी तरह यहाँ पे भी है, मल्टीप्लाई में भी p by q multiply by r by s equal to r by s multiply by p by q, तब भी आंसर यही आएगा, टू वन द टू थ्री थ्री द नाइन, टू वन द टू एंड थ्री थ्री द नाइन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने देखा कि टू नंबर्स के दरमियान में है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास थ्री फ्रैक्शंस के दरमियान में आएगी या थ्री नंबर्स के दरमियान में आएगी। आप देखें, p बाय क्यू प्लस आर बाय एस प्लस टी बाय यू, थ्री वैल्यूज लिखी हुई हैं तो हम एक में क्या यूज़ कर लेते हैं, ब्रैकेट। आप ये बात जानते हैं कि हम ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं, आर बाय एस प्लस टी बाय q।
कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे अगर पहले वाले टू में जो है ब्रैकेट लगाते हैं तो राइट हैंड साइड पे बाकी वाले टू में ब्रैकेट लगाते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। मल्टीप्लाई में भी देख लें, सेम ऐसे ही लिखा रहेगा। इक्वल टू पी बाय एस मल्टीप्लाई बाय आर बाय एस मल्टीप्लाई बाय टी बाय यू। फर्स्ट में आपने पी बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय आर बाय एस पे जो किया है, अब आपने दूसरी साइड पे कर देना है इस तरह, तो आंसर आपका हमेशा दोनों का सेम ही आएगा। डिस्टेंट इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करने हैं 2.3 में। जब आप देखिएगा कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें, आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि अपने नंबर्स को तकसीम करना बहुत से वैल्यूज में। देखेंगे मैं यहां पे लिख रही हूं पी बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय आर बाय एस प्लस टी बाय यू। मैंने फर्स्ट ऑपरेशन टू ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, एक मल्टीप्लाई और दूसरा प्लस का। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज इस तरह लिखी जाएंगी और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, पी बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय आर बाय एस प्लस पी बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय आर बाय एस, ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होगी अकॉर्डिंग टू माइनस के, देखें आर बाय एस, यहाँ पे टी बाय यू आना था, सॉरी पी बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय आर बाय एस माइनस पी बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय टी बाय यू, ये इसका आंसर है। लेफ्ट को आप राइट के इक्वल करेंगे और इसमें आपके कोई भी जो है लेफ्ट राइट आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम जो है करेंगे अपने एक्सरसाइज नंबर 2.3 में। एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पेज नंबर 33। स्टूडेंट्स सबने ओपन कर लिया है। पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर लेस देन और इक्वल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आपने ये तीनों साइन अप्लाई करने हैं टू रैशनल नंबर्स पर और बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट देखें क्या लिखा हुआ है, 1 बाय 2 कॉमा 15 बाय 20। अब आप देखें कि ये इसका डिनोमिनेटर भी चेंज है और इसका भी चेंज है, दोनों तो सेम नहीं है। हम कैसे बताएं कि फर्स्ट फ्रैक्शन बड़ी है या सेकंड फ्रैक्शन बड़ी है। स्टूडेंट आप सबने क्या करना है देखें जी, देखिए इस 20 को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। देखें जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 20, दरमियान में थोड़ा सा गैप देके 15 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 2। स्टूडेंट ये काम आपने 6th क्लास में किया हुआ है। 21 का क्या होता है 20, 22 का क्या होता है 40, 15 का 30, 22 का 40। अब आप देखें डिनोमिनेटर दोनों के क्या हो गए, सेम हो गए। अब ऊपर देखें ये 20 है ये 30 है, कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, 30, तो आप इसकी तरफ साइन लगाएं। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंपेयरिंग करना, कंपेयर करना एक नंबर से दूसरे नंबर को, या आप ये समझ लें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद आपने
रैशनल नंबर्स में कंपैरिजन किया कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। ओके स्टूडेंट, 1 को आपने 20 से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी 20 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। दोनों तरफ आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 2 पार्ट देखें इसका। टू ओवर माइनस 3 1/6, 2 ओवर माइनस 3 देखें किसे मल्टीप्लाई करना है आपने, 6 से, इधर भी 6 से, इधर आपने किसे मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 से और इधर किसे मल्टीप्लाई करना है 6 को, माइनस 3 से। 2 6 12 माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 18, माइनस 3 ओवर माइनस 18। डिनोमिनेटर दोनों क्या हैं जी, सेम है। अब आप देखें पॉजिटिव 12 लिखा हुआ है और नेगेटिव 3 लिखा हुआ है क्लास, तो अब आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जी स्टूडेंट बताएं पॉजिटिव 12 बड़ा है या नेगेटिव 3। जी क्लास हमारे पास ये देखिए ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा, पॉजिटिव 3 एंड पॉजिटिव 18 बन जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये 12, सॉरी ये नेगेटिव 18 हो गया है, ये पॉजिटिव हो गया, तो वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, पॉजिटिव वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखें 3 पार्ट, माइनस 1/5 एंड 2/-10 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम 10 से माइनस 10 से, इधर हम माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। गैप देखे 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 50, 2 5 10 माइनस 50। अब आप देखें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव 10 है, ये नेगेटिव 50 है, ये नेगेटिव 50 है, दोनों वैल्यूज क्या हुई, सेम हो गई। तो आप यहाँ बीच में कौन सा साइन यूज करेंगे, इक्वल का साइन यूज करेंगे। जी स्टूडेंट ये सारे पार्ट आपके ऐसे ही होंगे, मैं आपको 4 जो है 5 पार्ट करवाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज है। देखिए -1, -2/3 स्टूडेंट, अब आप देखें जिस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता उसमें क्या होता है, 1 होता है, -1 × 3 1 × 3 -2 × 1 एंड 3 × 1 -3/3 -2/3 3 3 सेम, -3 बड़े होंगे या -2, पॉजिटिव में देखें तो 3 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव में देखें स्टूडेंट्स तो 2 हमेशा हमारे पास -2 बड़ा होगा और -3 छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरह क्वेश्चन होने हैं, आप में 6 से लेके 12 तक पार्ट खुद अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 12 आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और हमारा डे 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।